कुछ भी तो विकास नहीं हुआ है। वृद्ध पेंशन है तो आज 3 महीने से बकाया है हमारी, मिली नहीं। बेरोजगारी छाई है, है? रोजगार साले जिस दिन से वो हुआ तब से रोजगार भी नहीं मिल रहा, धंधे को चौपट है, है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा, क्या कहे बताए अब आप। गणेश जी हमारा विकास नहीं करी नहीं आई, क्या स्थिति विकास हुआ है सतना का? सतना का नहीं हुआ, रीवा का ज्यादा हो गया। विकास तो कुछ नहीं हुआ सतना का, सतना में कोई विकास नहीं, इससे ज्यादा विकास रीवा का हुआ। अच्छा। 4 बार के सांसद हैं, सतना के लिए क्या दिए? एयरपोर्ट रीवा चला गया, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आई वो रीवा चली गई, सतना को क्या मिला? सतना सुन में है, रीवा से 50 साल पीछे है सतना। सरकार मतलब कोई वो नहीं है, मगर सतना का विकास होना चाहिए, कोई चीज नहीं है सतना में। बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बदलाव है। कि काम काज संतुष्ट है या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है, उनकी तो सरकारें नहीं थी तो बेचारे अपने हिसाब जो किए बढ़िया किए हैं, उसमें हम वो नहीं कह रहे हैं, और अब की बार बदलाव होना चाहिए। जो भाजपा के वादे लुभावने हैं वो सरासर गलत है। लाडली बहन योजना अगर अच्छी है, सिर्फ ये चुनावी मुद्दे, आपने यहाँ सबसे बड़ा बिंद क्षेत्र में अपने यहाँ उद्योग है, अपने यहाँ इतनी प्लांट हैं, इतनी कम मजदूरी है, आज तक कोई मजदूरी के बारे में नहीं किया, उद्योग में इतने कारखाने, आज तक कोई मुद्दा नहीं उठा, बताइए आज 350 में क्या करेगा बेरोजगार आदमी? अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट, बिल्कुल नहीं है। हर 5 साल में नई सरकार आनी चाहिए हिंदुस्तान में। ये हैं सतना विधानसभा के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्ष 2018 में पहली बार विधायक बने सिद्धार्थ कुशवाहा। 2018 की ADR रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ कुशवाहा की उम्र 33 वर्ष है। इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इनकी कुल संपत्ति 1,62,00,000 है और इनकी आय का स्रोत है कृषि और परिवहन व्यवसाय। सिद्धार्थ कुशवाहा पर कुल 2 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। PRS की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक निधि से क्षेत्र में खर्च का ब्यौरा 0 है, ना तो काम का डाटा मिला ना ही खर्च का। 5 साल के कार्यकाल में सिद्धार्थ कुशवाहा ने विधानसभा में 207 सवाल उठाए हैं। पिछला चुनाव सड़क, बिजली, पानी, रोजगार जैसे कई मुद्दों पर लड़ा गया था। सिद्धार्थ कुशवाहा का अब तक का राजनीतिक सफर, साल 2010 में कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीत हासिल की। 2014 में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। 2014 में ही कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बनाया गया। 2018 में कांग्रेस से विधायक बने। ये काम 18 के पहले क्यों नहीं हुए? प्रश्न ये, सरकार आपकी थी, आप सांसद थे, आपके मेयर थे, आपके जिला पंचायत था, प्रदेश में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, पहले क्यों नहीं हुए? वो इतना देर क्यों हुए? आप 2004 से सांसद थे, अब 2023 में आप हिसाब दे रहे हैं पिछले 5 सालों का। अगर आपको हिसाब देना है तो पिछले 20 साल का उनसे हिसाब। 5 सालों में विधानसभा सत्र चले कितने दिन है, कितने घंटे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो विधानसभा का, मैंने कहा ना, प्रजातंत्र की तरीके से खिलवाड़ बना दिया है, वो विधानसभा के अंदर भी दिखता है ना। हमें लगा था कि हम प्रश्न लगाएंगे, उसका सही जवाब मिलेगा, उस पर कार्रवाई होगी, कभी नहीं हुआ ऐसा। सरकार ने रोजगार के विषय पे कभी काम ही नहीं किया, आउटसोर्स एक ऐसा गंदा कल्चर ला दिया है पिछले 15-20 सालों में कि नौजवान आदमी अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। अगर आप गंभीरता से जाएं तो इस आउटसोर्स के दलदल में हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरी तो कर रहे हैं, पेट तो उनका पल रहा है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कितने दिन तक। विधायक जी ने अपना जवाब तो दे दिया है, अब बारी आपकी है। उनका काम कैसा रहा इसका फैसला आप करें। अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं।